पान की दुकान से सिगरेट नहीं लाके देने पर आखिरकार एक दोस्त ने पीट पीट कर दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हत्या हुई है उसका दोस्त शराब के नशे में था। आरोपी का नाम हरीश्वर उर्फ बकुल रामदास चौधरी 32 वर्ष बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। वही मृतक का नाम जयेश देवजी यादव 38 वर्ष बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला ठाणे जिले के डोंबिवली के पेंटसिंह नगर का है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। ये दोनों दोस्त हैं और शराब के नशे में हरीश्वर ने जयेश से पान की दुकान से सिगरेट लाने को कहा, मगर जयेश ने मना कर दिया, जिसके बाद हरीश्वर अपने एक और साथी के साथ मिलकर जयेश की जमकर पिटाई कर दी। दीवार पे जयेश के सर से टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में जयेश की मौत हो गई। जयेश की बहन सुषमा जाधव 42 वर्षीय की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने 302-34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी को भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सचिन सांडभोरे ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। सुषमा जाधव ये पुलिस स्टेशन में आए थे और उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनके जो भाई है उसको जयेश जाधव, उनको किसी ने एक आदमी ने मारा है और उसमें उसका देहांत हो गया। तो हमने कंप्लेंट उनका लिया है। वो जो हादसा हुआ है वो 4 तारीख का था और वो 4 तारीख को जो जयेश जाधव ये घर में आके 6 बजे सोया और वो सुबह उठा नहीं करके उसको घर वालों ने हॉस्पिटल लेके गए, करवा हॉस्पिटल। तो उधर उसका एक थोड़ी देर के बाद उसका देहांत हो गया। तो और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में उसका मृत्यु का कारण हेड इंजरी ऐसा लिखा था। तो वो जो हमारे कंप्लेनेंट है उन्होंने सीसीटीवी देखा बिल्डिंग का, तो उनको मालूम पड़ा कि उसका जो जो मर गया है उसका एक दोस्त है बकुल चौधरी, उसने उसको हाथ से मारा था। और वो जब भी मारने हाथ से मारने के बाद वो जो गिरा उधर वो एक घंटा उधर ही गिरा था और बाद में वो घर में आके सोया था। तो उन्होंने ऐसा कंप्लेंट दिया कि वही मारण में जो उसका देहांत हुआ है। तो हमने 302 का गुना रजिस्टर किया है और बकुल चौधरी को अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में लेके गए और अभी उनका पुलिस कस्टडी हम लोग ले रहे हैं। क्यों मारने की वजह? मारने की वजह ऐसी है कि वो दोनों दोस्त थे और बकुल चौधरी ने उसको एक सिगरेट लाने के लिए बोला था, उसने सिगरेट लाया नहीं, उसके ऊपर उनका झगड़ा हुआ और उसमें उनका हाथापाई हुआ था।